हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका निखिल सर आपका स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अब तक हमने आप लोग को बहुत सारी वीडियोस दी, अब तक हम लोग बोर्ड के आपको वीडियोस दे रहे थे जो कि कंटिन्यू हम करेंगे अप्रैल से, क्योंकि अप्रैल से आपके नए सेशन स्टार्ट होंगे, तो हम लोग आपको एक एक चीज एकदम अच्छे से समझाते हुए कम्प्लीट कराएंगे। लेकिन दोस्तों, काफी बच्चों का ये रहता है कि अगर मैंने टेंथ का एग्जाम दे लिया है, ट्वेल्थ का एग्जाम दे लिया है, तो मुझे प्रिपरेशन करना है। तो अगर आप फारंसिस होंगे तो क्या रहता है मन में कि मुझे सीएचएस देना है, क्योंकि हर बच्चों का मन रहता है कि मुझे सीएचएस देना है। अब बाकी स्कूलों में इंटरेस्ट दे सकते हो, जैसे कि जवाहर नवोदय हो गया, बाकी सारी चीजों की अगर आप इंटरेस्ट देना चाहते हो, कहीं के भी आप इंटरेस्ट हो, तो उसकी तैयारी हम लोग अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें कि किशन सर आज आप लोग को पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। तो आज हम क्लास 11, जैसा कि आप लोग देख पा रहे लिखा हुआ सीएचएस प्रिपरेशन क्लास 11, इसका तैयारी हम आप लोग करवाएंगे और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस, वही सारे क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाए। और दोस्तों, आप लोगों के बीएचयू बीएससी बीकॉम सारी चीजों की तैयारी हम लोग खुद कराएंगे अपने चैनल पर, जिससे कि आप लोग को सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए और बेहतरीन तैयारी आपकी हो सके। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियोस किस टॉपिक्स पर चाहिए, वीडियो लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए आपको, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और हमारे पीडीएफ भी आपके लिए एकदम अवेलेबल है, आप अबाउट में जाकर के हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉन्टैक्ट देख करके कॉन्टैक्ट पर आप मैसेज कर सकते हैं, उससे मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अब मैं बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए बुलाता हूँ किशन सर को, जो कि आपको आज क्लास 11 के मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे वो सीएचएस हो चाहे नवोदय हो, यहाँ मैंने जरूर सीएचएस लिखा हुआ है, लेकिन आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पूछेगा। तब आपसे आगे बात करें किशन सर, आ जाइए सर, और अब आप बच्चों को पढ़ाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, निखिल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि निखिल सर आपको बता चुके हैं कि आज से आप लोग स्टार्ट हुआ सीएचएस प्रिपरेशन, और है क्या क्लास इलेवन का मैं स्टार्ट करूंगा। तो आज का टॉपिक रहेगा मैथ, ठीक है, मैथ जो कि हम ही पढ़ाएंगे, और फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में स्टार्ट करूंगा मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके क्या सीएचएस में पूछे जाते हैं, या फिर जिसके पूछने की संभावना क्या है बढ़ेंगे। तो इसी क्रम में मैं क्या आपको आज का पहला क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि इस प्रकार है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपका है क्या, और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको चाहे वो यूपी बोर्ड हो या आपको सीबीएसई बोर्ड, यहाँ पे मैं मैथ का प्रिपरेशन दोनों के लिए कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको सारे क्या इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन हम उसका क्या हिंदी भी बताते रहेंगे। तो जैसा कि देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है क्या कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा टेन थीटा, कि मतलब आपको कंडीशन देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अगर है, तब आपको फाइंड करना है किसके वैल्यू थीटा का वैल्यू, तो देन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको वैल्यू बताना किसका थीटा का। तो देखिए, कंडीशन आपका है क्या tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, और इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, यानी फर्स्ट आपका कितना 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो मैथ में जितने भी क्वेश्चन है या फिर जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे, आप तो उसको डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी मैथ के सारे क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी रहेंगे, 1 2 3 4 5 जितने भी रहेंगे, आप उसको क्या करेंगे, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद आप क्या ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखिए, सॉल्यूशन में करेंगे आप पहले जो कंडीशन दिया है, यानी ये, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या tan थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, बाय 1 कर सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इधर है इधर है, कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एंगल है, ठीक है, आप एक एंगल को दूसरे एंगल से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का क्या sin इनवर्स टेक करेंगे, यानी ऑन टेकिंग sin इनवर्स बोथ साइड। तो जैसे ही आप sin इनवर्स टेक करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा sin इनवर्स, ये sin इनवर्स हो जाएगा, तब यहां से आपको क्या होगा sin इनवर्स और sin कैंसिल होगा, sin इनवर्स sin कैंसिल हो जाएगा, तब आपको पर्टिकुलर बचेगा क्या थीटा और थीटा दोनों साइड कैंसिल, तब आपको पर्टिकुलर क्या मिलेगा 1/cos θ = 1/1। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा cos θ = 1। अब बताइए cos थीटा में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता है किसका 0 का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos
थीटा इज इक्वल टू कॉस 0। अब दोनों साइड फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉस इनवर्स टेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पहले क्या है, दोनों साइड को इसको tan थीटा और sin वाई cos किए, फिर दोनों साइड क्या sin इनवर्स ऑपरेट कराएं, तो sin इनवर्स sin कैंसिल हुआ, थीटा बचा, sin इनवर्स sin कैंसिल हुआ, थीटा बचा। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो आपको मिला गया cos थीटा, ये मिला cos थीटा की वैल्यू 1 मिला, और आप जानते हैं cos थीटा में किसकी वैल्यू 1 होती है, 0 की। तो यहां से हम लोग क्या फिर से यहां पे ऑपरेट करेंगे cos इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिला 0 डिग्री। अब लेकिन जैसे हम लोग ऑप्शन में आए देख रहे हैं यहाँ पे 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, लेकिन 0 है ही नहीं। अगर आपको आपके पास ऑप्शन 4 है लेकिन आपका आंसर क्या अलग आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक बार आप क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे, अगर आपका क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए एकदम सही है, तो आपका नेक्स्ट जो इसमें आपका ऑप्शन होगा अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपका आंसर आया 0, आप इसमें से कोई भी टिक करके चले हैं, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपका आंसर ऑप्शन से एकदम अलग है तो आप उस क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे। अगर आप बाय मिस्टेक टच करते तो वहां पे आपका क्या होगा, माइनस मार्किंग की वजह से नंबर कट जाएगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन पे आपको कॉन्फिडेंस होगा उसी क्वेश्चन पे आप टिक करेंगे। तो देखिए आपका आया कितना 0, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पांचवा ऑप्शन बढ़ा सकते हैं, तो वो आपका कितना होगा 0 डिग्री। तो आपका आंसर है कितना 0, तो आप क्या करेंगे, जो 0 डिग्री रहेगा उस पे आप टिक करेंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैथ में जितने भी क्वेश्चन प्लीज उसको आप क्या क्वेश्चन सॉल्व करके ही टिक करेंगे, अंदाजे मत कीजिएगा, नहीं तो ऐसे इसमें हम लोग क्या करते हैं 30, 45, 60, 90 में से कोई भी करते हैं तो क्या होता, बाद में हम लोग आंसर आए 0, अब इन चारों में से लगाते तो गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तभी टिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या सेम टू सेम पिछले वाले की तरह, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी की तरह है, तो इसको भी देख लेते हैं। दिया गया इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। यदि आपके पास क्या है सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। और इसमें देखिए चार ऑप्शन दिया, पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6 और पाई बाई 3 दिया है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो केवल चार ही रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या पांचवा ऑप्शन अपने से दिए क्योंकि हम लोग का रिजल्ट क्या था 0 आया था। तो कभी कभी मान लीजिए अगर ऑप्शन में आपका 0 नहीं रहेगा तो वहां पे क्या रहेगा, नन ऑफ दिस रहेगा, ठीक है। तो जो आपका आंसर अगर ऑप्शन में से नहीं मैच करता है तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस, आप उसमें टिक कर सकते हैं, आप अपने से ऑप्शन को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कंडीशन आपको दिया है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 2 है तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, तो देखिए पहले क्या जो कंडीशन उसको लिख लेते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 2, और आप जानते हैं सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई cos, cos थीटा इज इक्वल टू 2 बाई 1 कर सकते हैं। तो फिर यहां से अगर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब बात आता है cos थीटा में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो आप लोग जानते हैं cos किसका 60 का, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 ये मिल जाएगा। तो यहां से फिर इसको सॉल्व करेंगे तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बात है हमने तो डिग्री में निकाले, अगर इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, तो पाई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू 180 है, 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 60, तो ये आपका हो गया। फिर अगर 60 ऑप्शन में है तो 60 पे टिक करेंगे या फिर पाई बाई 3, तो यहाँ पे आपका आया कितना पाई बाई 3, तो पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6 और लास्ट ऑप्शन क्या है पाई बाई 3, तो इस पे क्या करेंगे पाई बाई 3 पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, cos 20 cos 70 माइनस sin 20 sin 70 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में आपको क्या है चार दिए, पहला आपको दिया 0, 1 cos 50,
और जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका क्या इनफाइनाइट है, तो आप बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा। 0, 1, cos 50 इनफाइनाइट चार हो सकता है, लेकिन जो आपका एग्जैक्ट आंसर वो होगा कौन सा, राइट आंसर है कौन सा, जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा किसका राइट आंसर है क्या। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में, तो पहले आपको जो दिया उसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कितना cos 20 cos 70 माइनस sin 20 sin 70। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे देखिए, cos 20 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 70 लिख सकते हैं, ये हो गया। फिर cos 70 को 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, माइनस sin 20 sin 70, ये आपका हो गया। और आप जानते हैं cos 90 इसको मान लीजिए थीटा है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, वैसे cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा sin थीटा जगह आपका है कितना 70, फिर इंटू sin 20 माइनस sin 20 sin 70। अब ये देखें पूरा पॉजिटिव और ये पूरा क्या नेगेटिव, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या हो जाएगा 0। अभी तक हम लोग को लग रहा था इसका वैल्यू या तो 1 आएगा या तो इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे भी देखिए आपको क्या आ गया 0। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कैसे आप बता सकते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। इसलिए कि जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उसका आंसर टिक करने से पहले आपको उसका क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन आएगा कैसे, आपको तो कोई सोल्यूशन देगा नहीं, इसलिए आप खुद से उसका सोल्यूशन निकालेंगे, फिर जो आंसर आपका सही होगा उस पर टिक करेंगे। कैसे, आपका 0 आया तो ऐसे टिक करेंगे, लेकिन आपको टिक करना नहीं रहेगा, आपको आंसर शीट पे गोला भरना रहेगा, ठीक है, ओआरआर शीट पे आपको सर्कल करने रहेंगे, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे पहले उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तभी आप उसका आंसर भी फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से आपका है क्या कि cos स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 15 अपॉन cos स्क्वायर 15 माइनस sin स्क्वायर 15, ये आपको क्वेश्चन दिया है। और इसके ऑप्शन जो है देखिए क्या, पहला 2 है, 1/2 है, √3/2 और जो लास्ट है 2/√3 है। अब इस क्वेश्चन में देखिए तो आपको क्या बहुत ही आपके इजी है, यानी कि आप अपने से ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करते क्या है। लेकिन हाँ, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या कीजिएगा, टाइम को देखते हुए हमेशा शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करने लगे, आपको स्टेप बाय स्टेप पे नंबर नहीं मिलेगा, आपका जो आंसर है सही है कि गलत है आपको उस पे नंबर मिलेगा। लेकिन हाँ, जब भी क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम रहेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, इसलिए आप जितना शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन को जितने आप शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं, ताकि आप जितना शॉर्ट करेंगे आपका टाइम बचेगा और आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और उसका आंसर भी आप सही से समय रहते आप फाइंड कर लेंगे, इसलिए आप हमेशा क्या शॉर्ट ट्रिक को अपनाइए। तो देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं, बिना सोल्यूशन की आप इसका आंसर भी नहीं बता सकते हैं, तो सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए है क्या, cos स्क्वायर 15 प्लस sin स्क्वायर 15 अपॉन cos स्क्वायर 15 माइनस sin स्क्वायर 15। तो देखिए अब करते क्या है, इसको 15 को मान लीजिए थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को क्या होता है, 1 होता है। जैसे थीटा की जगह आपका आया क्या 15, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला है किसका, cos cos 2 थीटा का, ठीक है।
तो फार्मूला भी आपको साथ ही साथ याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आपका वन हो जाएगा और ये आपका फार्मूला किसका हो जाएगा, कॉस टू थीटा का, यानी कॉस टू थीटा का वैल्यू कितना है 15, तो ये आपका कितना वन में कॉस 30। अब बताइए कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2, तो यहाँ पे लोग क्या रखेंगे 1/√3/2, ये हो गया। अब ये √3/2 जब ऊपर जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये वैल्यू है थीटा, 15 को हमने मान लिया कितना थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस 2 थीटा का। अब यहां पे देख रहे 2 थीटा यानी आपका कितना हो जाएगा, थीटा वैल्यू है कितना 15, तो 15 टू जा 30, तो यहाँ पे कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे रखें 2 आपको क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा यानी 2/√3। अब ऑप्शन चेक करेंगे कि जो हमारा आंसर है क्या इस ऑप्शन में है कि नहीं है, अगर है तो टिक करेंगे, नहीं है तो नन ऑफ दिस पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए √2/√3 है, यानी पहला नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा भी नहीं है, यानी चौथा है, तो चौथे पे हम लोग क्या करेंगे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो लोग भी अपने प्रिपरेशन को क्या और भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। जैसा कि आप लोग बोर्ड में बहुत अच्छे पेपर करके आए हैं, उसी तरह हम लोग ये भी चाहते हैं, हमारे निखिल क्लासेस में जितने भी सर हैं मैम हैं, हम लोग का पूरा एक ही एम है, जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से पास करने वाले हैं, उसी तरीके से आपका जो प्रिपरेशन है उसमें भी आप बहुत ही अच्छा नंबर लाएं। तो उम्मीद है यही है हम लोग करते हैं कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे हो, अच्छे से हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं फिर से। थैंक यू।